हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शहबाज़ अली और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन जो क्लास 9 के लिए है। ये जो एनुअल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9 बच्चों के लिए जो 10 क्लास में जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजली होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, इसका जो PDF है वो मैं डाल चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट फिज़िक्स के बारे में। सब्जेक्ट फिज़िक्स के बारे में पेपर कैसे होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स क्वेश्चन, फिज़िक्स जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे 2 आवर्स के पेपर होते हैं। 2 आवर्स के पेपर में हमारे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 जो कंपलसरी होते हैं, सेक्शन 2 जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जब भी आप ये क्वेश्चन मिले या पेपर मिले तो आप इस डिस्क्रिप्शन को ज़रूर याद पढ़ लेना कि कितना टाइम मिले, मतलब कब से स्टार्ट होगा, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो ये सब ज़रूर देख लेना। तो सेक्शन 1 में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है कि आएगा ज़रूर, लेकिन एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो लिंक है, मतलब PDF है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे नेम ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द यूनिट लाइट ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो कुछ हार्ड भी है कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ इसका पूरा आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसका जो जितना भी आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और पूरा अच्छे एक्सप्लेन के साथ। तो आप क्या करना, आप इस वीडियो को आज जो PDF है उसे आप डाउनलोड कर लेना, अगर आपको जो बनता है वो बना लेना, अगर जो नहीं बनता है क्वेश्चन वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और उस क्वेश्चन का मैं आंसर डाल दूंगा। लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं इस PDF का, इस क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट का सारे आंसर मैं डालने वाला हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो और आप इस पेपर को इजिली क्रैक कर सके, मतलब जितना भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर सके हो। ठीक है, आज हम डाले हैं फिज़िक्स के बारे में, कल डालेंगे केमिस्ट्री और फिर मैथ्स के बारे में डाल दूंगा, और फिर उसका भी एक एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियोज़ को बना के डाल दूंगा ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि 10 पेजेस के होते हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को, लेकिन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, विदाउट स्टडी यू कैन डू एनीथिंग एल्स, राइट। तो आपको ये बता दूं कि आपको पता ही हो कि इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहां से आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे भी क्वेश्चन है, और शायद ये जो पेजेस है वो 10 पेज के होते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये लास्ट पेज है इसके। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके कुछ बनाना स्टार्ट कर दो अभी से, और जो नहीं आएगा वो कमेंट करके बता देना मेरे को, और फिर मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा, आने वाली वीडियोज़ को मैं डालूंगा ही। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।